बंटवारा हो चुका है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में 3.0 में कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात करें तो पांच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। 36 राज्य मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। पांच बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें गृह मंत्रालय है, इसमें रक्षा मंत्रालय है, इसमें सड़क और परिवहन मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय है। ये पांच बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी पार्ट टू में जो मंत्री ये महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे उन्हीं पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही रहेंगी, साथ ही साथ सड़क और परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी नितिन गडकरी के ही पास रहेगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ही एक बार फिर से बनाए गए हैं। जो बड़े चेहरे हैं, बड़े विभाग हैं, वो सेम हैं। और उसके बाद फिर किया गया है बदलाव। जेपी नड्डा बीजेपी के जो कि अध्यक्ष भी हैं उन्हें भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जेपी नड्डा। मनसुख मांडविया इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, लेकिन मोदी पार्ट वन की अगर बात करें तो उसमें जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं और मोदी 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर से बनाया गया है जेपी नड्डा को। साथ ही साथ मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो पिछली सरकार में भी वाणिज्य मंत्री थे, मोदी 3.0 में भी वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। हरदीप सिंह पुरी की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ही हरदीप सिंह पुरी के पास रहेगी, पहले भी पेट्रोलियम मिनिस्टर पिछली सरकार में रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, कृषि मंत्री उन्हें बनाया गया है। इसे कौन सा मंत्रालय मिला है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी कैबिनेट इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले मोदी का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है ये, जिसमें मंत्रियों की संख्या 3.0 में 72 है। 2019 में 2.0 में ये संख्या 58 थी। 2014 में जब सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनकी उस वक्त कैबिनेट में मंत्रियों की जो संख्या थी वो 46 थी और इस बार मोदी के साथ 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम ने 11 मंत्रियों को मंत्रालय जो हैं वो रिपीट किए हैं। सीसीएस के मंत्रियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कृषि मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं। करनाल से सांसद और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहरी आवास मंत्री बनाया गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर टीडीपी से राम मोहन नायडू, इससे पहले ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था और अब टीडीपी के खाते में गया है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, जिसमें राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। मोदी 3.0 विभागों का हो चुका है बंटवारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क और परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से नितिन गडकरी को, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है इस बार जेपी नड्डा को, कृषि मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के ही पास है, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के ही पास है, मनोहर लाल ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री भी उनके पास रहेगी। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। लल्लन सिंह जेडीयू के पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं। मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग भी रहेगा इनके पास। सर्वानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय मिला है।
राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और साथ ही साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। तो मोदी 3.0 में कैबिनेट का बंटवारा हो चुका है। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया है, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे, जबकि शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है, नितिन गडकरी के साथ दो राज्य मंत्री रहेंगे, अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। इस बार मोदी 3.0 कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों को देखते हुए मंत्री वाला दांव खेला है। रिपोर्ट देखिए इस पर। दो हजार सैतालीस का विजन, विश्व गुरु का शुरू मिशन, जहां जहां चुनाव वहां मंत्रियों वाला दांव। चिराग मांझी को कैबिनेट, दलित वोट होगा सेट, विकसित भारत की शपथ, मोदी का अग्निपथ। 2024 में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। मोदी की नई टीम तैयार है। नई कैबिनेट में बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली को खास तवज्जो मिली है। वजह है इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, जबकि बिहार और दिल्ली में अगले साल चुनाव होंगे। लिहाजा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन राज्यों को तरजीह दी गई है। बिहार में एनडीए के 30 सांसद जीतकर सत्ता में आए हैं, जिसमें से 8 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के 16 सांसद जीतकर आए हैं, इनमें से 6 को कैबिनेट में जगह दी गई है। हरियाणा में एनडीए के 5 ही सांसद जीतकर आए हैं, इनमें से 3 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 7 सांसद जीत कर आए, इनमें से 1 को कैबिनेट में जगह दी गई है। बड़ी बात यह है कि हारे हुए बीजेपी के 2 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिसमें तमिलनाडु के नीलगिरी से बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया गया है। एल मुरुगन डीएमके के ए राजा से 2,40,000 वोट से हार गए थे। वहीं लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर सिंह से हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी मोदी 3.0 में कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रायोरिटी तो देखो, जो 15 ये लगातार कंटिन्यू है, 10 साल से जो प्रायोरिटीज हैं सरकार की, उसे आगे बढ़ाना है, वो ही रहेगी। और दूसरी, जो पंजाब में आप मसले जानते हैं, मैं हर जगह ये बोलता रहा हूँ, ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा और पंजाब का कोई भी मसला वो हल कर लो। मोदी 3.0 के सरप्राइज फैक्टर की बात की जाए तो मोदी 3.0 में केरल बीजेपी के महासचिव जॉर्ज कुरियन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज कुरियन ना तो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। बावजूद इसके जॉर्ज कुरियन को कैबिनेट में शामिल किया गया है। I जॉर्ज कुरियन do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. इसके साथ ही पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में कास्ट फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है।
मोदी 3.0 की कैबिनेट पर नजर डालें तो 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी से आते हैं, जबकि 21 कैबिनेट मंत्री सवर्ण हैं। इनमें से 10 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जबकि 5 कैबिनेट मंत्री शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, और इसके अलावा 5 मंत्री ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2019 में 23 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़कर 1 से 13 हो गई है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 29 सीटें आई हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, जबकि इस बार 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर ही कब्जा जमा सकी और कांग्रेस के खाते में भी इतनी ही सीटें गई हैं। बिहार की बात करें तो एनडीए ने इस बार यहां 40 में से 30 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने इस बार भी क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे, लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव का असर मंत्रिमंडल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।